काफी बड़ी बात आपने कही पंडित जी ने, इस वक्त काफी बड़ी बात कह दी हमारे इस शो में। पहली भविष्यवाणी उनकी इस शो में उन्होंने जो की है वो ये कि शरद पवार साहब ये ख्वाब देखना बंद कर दें कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 2009 में ये उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी। पंडित जी, शरद पवार साहब को कौन सी पार्टियां मदद करेंगी और कौन सी नहीं करेंगी? देखिए, ऐसा है कि शरद पवार साहब जिस तरह की इस वक्त रणनीति खेल रहे हैं वो राजनीति में बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती। कल जब हमने उद्धव की सभा सुनी तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें शरद पवार साहब के विरुद्ध कहीं जो साफ साफ दिखाई देता था कि वो नहीं कह रहे हैं शरद पवार जी की रणनीति के विरुद्ध, या रणनीति को देखते हुए कोई भी आम व्यक्ति, मैं या आप भी ये बात कर सकते हैं जी। इसलिए उनकी रणनीति शनि और चंद्र के साथ प्रभावित है, जिससे उनको एक पार्टी यानी यूपीए के साथ जुड़ जाना चाहिए। आज के दिन कंफ्यूजन की परिस्थिति पैदा हुई है कि शरद पवार जो है वो कम्युनिस्ट के साथ में है, लालू के साथ में है, पासवान के साथ में है, या मायावती के साथ में है, या शिवसेना के साथ में है, या यूपीए के साथ में है। पंडित जी, शरद पवार साहब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं या वो खुद कंफ्यूज? नहीं नहीं नहीं, देखिए ग्रह अपनी चाल चलता है मनीष जी। जी, आज मैं या आप यहाँ बात कर रहे हैं ये पूर्व आधारित हुई बात है जी। ग्रह अपनी चाल चलते हैं और ग्रहों की जब हम कंजक्शन को देखते हैं तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम जनवरी 2009 टिल जनवरी 2010 he will be under the influence of confusing stars. पंचमस्त शनि यानी उनकी कुंडली में गोचर में इस वक्त दसवें घर में पंचमस्त शनि चल रहे हैं, उस शनि का प्रभाव जो है उनके कैरियर में, उनकी सेहत के ऊपर और उनके लोगों के ऊपर बहुत अच्छा नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही कंफ्यूज होंगे और उस कंफ्यूजन की वजह से सरकार में, किसी भी सरकार में शामिल होने की उनकी क्षमता जो है मुझे बनती हुई दिखाई नहीं देती है। मगर वो विधानसभा के इलेक्शन में अपने आप को संभाल लेंगे, ये बात अच्छी बहुत जरूरी है जी।